खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना की इस महामारी के बीच पूरा देश आज लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन के बाद एक बड़ा ही ट्विस्ट आ गया है। दिल्ली में जो तबलीगी जमात इकट्ठा हुई थी उसके बाद जो है उसके सदस्य जो भी मतलब उसमें शरीक हुए थे उस जमात में, वो पूरे देश में कहीं ना कहीं है और इसको लेकर हरियाणा में भी हाई अलर्ट है। और आप देख सकते हैं अब गांव में भी ठिकरी पहरे के आदेश जो है दे दिए गए हैं। इस समय हम मौजूद हैं गोहाना के बली ब्राह्मण गाँव में और यहाँ पर आप देख सकते हैं रास्ते जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं और खुद ग्रामीण मोर्चा संभाल चुके हैं कि किस तरह से जो है रोकथाम की जाए, सभी आने जाने वालों पर नज़र रखी जाए। पहले कुछ एक गांव थे जो इसका पालन कर रहे थे कि गांव में व्यवस्था इस तरह से बनाई गई थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं हर गांव में। और जैसा कि आप जानते हैं कि K9 मीडिया धरातल पे उतर के सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है, ग्राउंड जीरो से हर रिपोर्टिंग करता है और यही काम हम आज भी कर रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था की गई है और ये कब आपने लगाया है? नमस्कार सभी देशवासियों को। सबसे पहले तो मैं K9 मीडिया की इस टीम को बधाई और हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो ऐसी मुश्किल घड़ी में पूरे देश और प्रदेश की खबरें पूरे विश्व में पहुँचा रहे हैं। और अब मैं अपने गाँव के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे गाँव में माननीय नरेंद्र मोदी जी के बाद जो लॉकडाउन का आदेश पारित किया था उसके बाद हम पूरी तन मन धन से इस पर ये हम अपना नैतिक फर्ज मान के इसको पूर्ण रूप से बंद कर रखे। ऊपर से डीसी साहब का आदेश है, एसडीएम आशीष जी का आदेश है, बीडीओ साहब का भी आदेश है, ना तो गांव में कोई अंदर आएगा ना गाँव से कोई बाहर जाएगा। कोई इमरजेंसी हो तो अलग इशू है, उसके अलावा ना हम किसी को बाहर आने दे रहे ना जाने दे रहे। गांव के सरपंच जो है मुकेश शर्मा जी, किस तरह का योगदान गांव में, क्या जागरूक लोगों को किया जा रहा है? सरपंच साहब के द्वारा गांव को 2-3 बार सैनिटाइज किया गया है, लोगों को मास्क दिए जा रहे हैं और जागरूक किया जा रहा है। ना तो कोई ताश खेले इकट्ठा बैठ के, ना कोई हुक्का पिए और झुंड में ना रहें, ज़्यादा से जहाँ तक हो सके अपने घरों में ही रहें, घर से बाहर निकलना भूल ही जाएँ। ये आपके गांव में कितने रास्ते हैं जो अलग अलग, कौन से गांव से आते हैं और कौन से रास्ते आपने ब्लॉक किए? जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं ये बड़ी रबड़ा गांव से रास्ता आता है बड़ी की तरफ, जो बड़ी और रबड़ा का मेन रास्ता है इसको हमने पूर्ण रूप से ब्लॉक कर दिया है। इसमें पेड़ काट कर रास्ता ब्लॉक कर दिया, वैसे तो लोग मान नहीं रहे थे लेकिन अब इसको स्थायी रूप से बंद कर दिया है जब तक कोई नया आदेश ना आ जाता है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं लॉकडाउन के बाद जो है जिलों की सीमाएं सील कर दी गई थी, लेकिन अब जो ठिकरी पहरे के आदेश के बाद रात को तो पहरा दिया ही जा रहा है लेकिन दिन में भी जो है ग्रामीण अब सतर्क हो चुके हैं। कैसा लग रहा है, गांव पूरा बंद है, किस तरह से समय व्यतीत होगा, क्या जो घड़ी है आज आन पड़ी है क्या उससे उबर पाएंगे हम लोग? नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट जनता तक घर बैठे बैठे पहुँचा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के जो आपदा आई है इसमें लॉकडाउन रखा गया है, उसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी व पंचायत मिनिस्टर व हरियाणा सूबे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी जो आदेश व जो सुविधाएँ लोगों को मुहैया करा रहे हैं हम उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। डीसी साहब ने जो आदेश दिया है कि गांव को बंद किया जाए, गांव की सभी सीमाएं बंद कर दी गई हैं और गांव के वासियों को आश्वासन सभी पंचायत की तरफ से, गांव के मौजूद नागरिकों की तरफ से आश्वासन है कि वो घर पर ही रहें, वह जो भी सुविधा जो उनको जरूरत की जरूरत है वो घर बैठे पहुँचाई जाएगी, किसी भी ग्रामीण को कोई समस्या इस मौके पर नहीं होने दी जाएगी। बिल्कुल, क्या कह रहे थे? आपको एक बात और बताना चाहूँगा, ये हमारा गांव पूरा एक परिवार की तरह इस बात में यूनिटी में होकर खड़ा है, कोई इसमें सब अपनी इस बात को नैतिक जिम्मेवारी समझ रहे हैं, ना कि किसी सरपंच का दबाव है या डीसी साहब का दबाव है, ये तो सब अपने नैतिक जिम्मेवारी समझ कर और हर मोर्चे पर खड़े हैं, ना तो कोई ताश खेल रहा है ना झुंड में इकट्ठे हो रहे। सबसे बड़ी बात क्या है, गरीब आदमियों को एक दूसरे की हेल्प करें, अगर किसी को खाना या सामान की आवश्यकता है तो एक दूसरे की मदद करें। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, अगर रास्ते में आ रहा था तो एक भाई ने तो गरीब आदमियों के लिए भैंसों के चारे के लिए अपनी बिरसम दे दी, अगर इसको आराम से जरा आपको दुखी परेशान होने की समस्या नहीं है। अब जैसे इस यहाँ के बाद हम आपको दिखाएंगे, हमारा बड़ी से मोई का रास्ता जाता है उसको भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया है, इसके बाद बड़ी से कटवाड़ वाला रास्ता है वहाँ भी वैसे ही पेड़ डाल के ब्लॉक कर दिया है।
बिल्कुल, विपदा की इस घड़ी में हमें भाईचारे का उदाहरण भी देना है, और चाहे गांव हो, चाहे शहर हो या कोई वार्ड हो, हमें अपने आसपास देखना है कि कोई ऐसा परिवार तो नहीं है जो भूखा है, या कोई ऐसा किसान तो नहीं है जिसके पशुओं के पास चारा नहीं है। अगर आपके पास खेत है तो आप चारा भी उपलब्ध करा सकते हैं। ये एक मानवता की मिसाल है, और इस कोरोना की जंग में जो है हमें बखूबी रूप से लड़ना है और इससे विजय भी पाना है। केनाइन मीडिया के लिए गांव बली से अमित सबरवाल के साथ अरुण कुमार।